हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से आज भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, पाइल्स फिशर फिशुला से संबंधित। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आपका भी आप इसमें कमेंट कर सकते हो, इसी तरह आपका भी आंसर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इन्होंने ये रजक खान जी पूछा है इन्होंने कि सर मुझे पस आ रहा है और कोई ओपनिंग नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा है एट द रेट बैड रियल मैन, इन्होंने लिखा है सर पुरानी से पुरानी बवासीर का ऑपरेशन से ठीक हो सकता है क्या। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आज मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो सबसे पहला जो इन्होंने पूछा है, ये रजक खान जी ने इन्होंने पूछा है कि सर मुझे पस आ रहा है, कोई ओपनिंग नहीं है। तो देखिए, फिशला जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वैसे तो हम तीन प्रकार मान सकते हैं, तो हम एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं फिशुला तीन प्रकार से कैसे हमें प्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक फिशुला का यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिशुला है जिसकी एक इंटरनल ओपनिंग है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फिशुला, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट फिशुला, कंप्लीट फिशुला इन एनो। तो अगर हमारे शरीर में कोई ऐसा फिशुला है जिसकी एक इंटरनल ओपनिंग है और एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, दोनों ओपनिंग है, तो उसको हम कंप्लीट फिशुला इन एनो बोलेंगे। अगर ये हो गया कंप्लीट फिशुला, अगर केवल एक ओपनिंग है वो भी बाहर की तरफ, तो ये इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फिशुला विद एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर ऐसा फिशुला है जिसकी ओपनिंग केवल इंटरनल है और एक्सटर्नल नहीं है, ये एक्सटर्नली ये ब्लाइंड है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्लाइंड है, तो ये होगा इनकम्प्लीट फिशुला विथ ओनली इंटरनल ओपनिंग। तो यानी हम अगर देखें तो फिशुला हमारे शरीर में तीन प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है, फिशुला जिसकी एक ओपनिंग मलद्वार के अंदर होती है, एक ओपनिंग मलद्वार के बाहर होती है। अब जब हमें कंप्लीट फिशुला होता है तो हमें पस दोनों तरफ से आ सकता है, एक मलद्वार के अंदर से भी आ सकता है, एक मलद्वार के बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि जहां से ओपनिंग होगी वहां से पस आएगा। अगर फिशुला की ओपनिंग सिर्फ इंटरनल है, यानी केवल जो ओपनिंग है वो केवल अंदर की तरफ है, तो हमें जो पस आएगा वो केवल गुदा मार्ग से आएगा और हमें कोई भी बाहर कोई ना तो कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी फील दिखाई देगी, ना तो हमें महसूस होगा। और कई बार ऐसा भी फिशुला होता है कि कई बार इंटरनल ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ जो बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होती है उसकी वजह से, और एक्सटर्नल ओपनिंग रह जाती है। तो कई बार हमें इंटरनल ओपनिंग नहीं मिलती, कई बार हमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं मिलती, और कई बार दोनों ओपनिंग मिलती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। तो अगर आपको खान जी, अगर आपको पस आ रहा है केवल मलद्वार से आ रहा है, तो बेटा ये आपको एक पेरिनल एब्सेस सभी हम कहेंगे, ये कंप्लीट फिशुला नहीं है, इसको हम साइनस कह सकते हैं। क्योंकि फिशुला का मतलब होता है कि ऐसा एक ट्रैक, एक ऐसा एबनॉर्मल ट्रैक, यानी जिसमें दो ओपनिंग हो और दोनों किसी इपिथेलियल सरफेस पे होता है, एन एबनॉर्मल फिशुला ट्रैक विच ओपन बोथ साइड एंड बोथ द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द इपिथेलियल सरफेस। एक इपिथेलियल सरफेस यहाँ एनल कैनाल है, एक इपिथेलियल सरफेस बाहर है, तो इसको फिशुला कहेंगे। अगर एक ओपनिंग बंद है और एक ओपनिंग खुली है तो उसको हम साइनस कहते हैं। तो फिशुला को हम साइनस भी कह सकते हैं और इसको हम फिशुला भी कह सकते हैं। अगर केवल एक तरफ ओपन है तो उसको साइनस बोलेंगे, दोनों तरफ ओपन है तो कंप्लीट फिशुला बोलेंगे। तो आपको हो सकता है कि इंटरनल ओपनिंग है, वहीं से पस आ रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एमआरआई फिशुलोग्राम करा लीजिए बेटा। एमआरआई फिशुलोग्राम को हम एमआरआई पेरिनियम भी कहते हैं। तो आप एमआरआई फिशुलोग्राम करा लीजिए, वहां से कंफर्म हो जाएगा कि आपको फिशुला है कि नहीं है, या मतलब कोई कैविटी तो नहीं है, कौन सा ग्रेड का फिशुला है और हमारी बॉडी के किस किस बॉडी पार्ट को, जैसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर या लिवेटर एंडिंग मसल, किस किस बॉडी पार्ट को ये कवर कर रखा है, ये हमें पता चल जाएगा। तो एमआरआई फिशुलोग्राम आप करा लीजिए, उसके बाद आप किसी एनोरेक्टल सर्जन से मिल लीजिए, वो आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे, तो इसका क्या फर्दर अब आपका ट्रीटमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सर पुरानी से पुरानी बवासीर का ऑपरेशन। देखिए, पाइल्स चाहे पुराना हो या नया हो, अगर इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो लगभग लगभग ठीक ही हो जाता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे वो 10 साल से क्यों ना हो। क्योंकि जो पाइल्स में जो ऑपरेशन होता है, अगर हम चाहे बैंड लाइगेशन की बात करें, चाहे छारसूत लाइगेशन की बात करें, चाहे ओपन इसको कट करके हेमोराइडेक्टॉमी की बात करें, सब में ठीक हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए ये क्या है, ये इंटरनल हेमोराइड है और ये एक्सटर्नल हेमोराइड है। इंटरनल हेमोराइड में देखिए, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बाइंड कर देते हैं,
तो जितना ये आउटग्रोथ होता है, जितना ये आउटग्रोथ होता है, अगर उसको अच्छे से लाइगेट कर दिया गया है तो दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। तो आपका मतलब चाहे कैसा भी पाइल्स हो, चाहे पुराना हो या नया हो या एक्यूट हो या क्रोनिक हो, वो दोनों अगर सही से लाइगेट किया गया है तो बेटा वो ठीक हो जाता है, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। और आज तक हमने जितने भी छारसूत्र वाला जितना भी पाइल्स के छारसूत्र लाइगेट किया गया है, ईश्वर कृपा है कि आज तक कभी भी कोई रिकरेंस केस नहीं आया, मतलब दोबारा किसी को नहीं बना, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। उसके बाद है, इन्होंने पूछा है, सर मुझे फिशर फर्स्ट बेबी के बाद से फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी 2016 में, अब सेकेंड बेबी के बाद भी मुझे फिर से हो गया है, सजेस्ट मी गाजियाबाद में कहाँ कराना चाहिए, आप कहाँ से हैं? तो इन्होंने पूछा, ये हैं @ रीना जी हैं। तो देखिए, जब मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था प्रेगनेंसी के दौरान फिशर हमें क्यों हो जाता है, तो क्या होता है कि जब माँ के पेट में जब बेबी आता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी पेट के अंदर जो प्रेशर होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जब प्रेशर बढ़ता है तो हमारा जो रेक्टम, जो हमारी आंतें होती हैं, जो फूड पाइप होती है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, उसका जो एनल कैनाल के ऊपर जो उसके पहला पार्ट होता है एनल कैनाल के बाद के, उसको हम रेक्टम कहते हैं या सिग्मॉइड कोलन, उसके जब प्रेशर पड़ता है तो जो हमारी गुदा मार्ग होती है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बेबी के प्रेशर की वजह से कभी कभी मल अगर नॉर्मल भी आता है तो उसके बाद भी हमें चोट लग जाती है, यानी हमें फिशर हो जाता है। फिशर होने के बाद अगर ये लंबे समय तक रहता है तो ये क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फिशर होना एक कॉमन सी बात है, और गाजियाबाद में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं बेटा, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऐसे तो डॉक्टर नवीन चौहान है, आप वहाँ पे एक बार सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, डॉक्टर नवीन चौहान मेरे सीनियर भी हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर छारसूत्र से अगर फिशर को ट्रीट किया जाता है तो लगभग 25-30 दिन लग जाता है इसको पूरा हील होने में। और आप कहाँ से? तो मेरा सेंटर बेटा लखनऊ में है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे @ इन्होंने लिखा हुआ है कि सर हॉर्सू से फिशला कितना कॉस्ट आएगा, कितने दिन में समय ठीक हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, देखिए हॉर्सू से फिशला जो होता है वो कई प्रकार के फिशला होता है, एक एंटीरियर हॉर्सू से फिशला होता है, एक पोस्टीरियर हॉर्सू से फिशला होता है। इस पर मैंने 3-4 वीडियो लगभग 1-1.5 साल पहले बनाए थे, मैंने सारे हॉर्सू से फिशला के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अब क्या होता है कि हॉर्सू से फिशला अगर वो इंटरस्फिंक्टरिक है, पोस्टीरियर साइड में है, तो ये हो सकता है 1-2 महीने में ठीक हो जाए। अगर यही हॉर्सू से फिशला एंटीरियर साइड में है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर यही हॉर्सू से फिशला पोस्टीरियर साइड में है और इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा में है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अब बिना MRI रिपोर्ट के तो हम आपको ये नहीं बता सकते कितने दिन में आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं अभी अपना नंबर इसमें दे रहा हूँ, आप प्लीज़ अपनी रिपोर्ट मुझे सेंड करिएगा, तो एक बार मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि जो हॉर्सू से फिशला है वो कितना इजी है या कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और इट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू हील कम्प्लीटली। तो यानी आपके जो फिशला जो हॉर्सू से फिशला है ट्रैक है उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा, वो मैं रिपोर्ट देख के ही आपको बता पाऊंगा, प्लीज़ मुझे रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद है, इन्होंने है मनुअर ऐसे @ इन्होंने लिखा है छारसूत्र वाले थ्रेड के नीचे स्किन पर बन गई है रही है बन गई है उतर रही है, इसका क्या कारण है? इन्हीं का 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। मेरे बेटे को पैनोरल साइनस है, हमने छारसूत्र करवाया है, उसको घाव वाले एरिया में थोड़ा सा इचिंग होती है और स्किन वहाँ पे रेड हो गई है, पस आ रहा है, रेड हो गई है। फिर तीसरा क्वेश्चन इन्हीं का है, सर छारसूत्र करवाने के बाद ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है, इसका क्या लक्षण है? तो ये मैम है, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए पैनोरल साइनस का मतलब होता है रीढ़ के हड्डी, यानी जो हमारा बैक साइड है, ये जो पीछे का एरिया है जहाँ पे हमारी बैकबोन का जो अंतिम होता है, सबसे लास्ट होता है कॉकेक्स और उसके ऊपर होता है सैक्रम, जो सैक्रोकॉक्सिजियल रीजन होता है उसके ऊपर स्किन में कुछ दाने टाइप बन जाते हैं, कुछ फोड़े टाइप बन जाते हैं, कुछ ऐसी ओपनिंग बन जाते हैं जिसमें से कई बार लगातार उसमें से पस जैसा कुछ आता रहता है या कई बार वो सूखा सूखा सा रहता है। तो ये होता है पैनोरल साइनस। पैनोरल साइनस में जब छारसूत्र का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या होता है कि छारसूत्र जब हफ्ते में एक बार आप बदलते हैं तो वहाँ पे कुछ
कई बार उसमें फॉरेन पार्टिकल होती है, तो जो जहाँ पे छारसूत पड़ा होता है वहाँ पे कई बार उसमें आउटग्रोथ आने लगते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा स्किन बढ़ने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्रेनुलर टिश्यू। उसको क्या बोलेंगे, जो आप मैम पूछ रही क्वेश्चन, जो स्किन बन गई उसका नाम होता है हाइपर ग्रेनुलर टिश्यू। तो ये टिश्यूज क्या होते हैं, जब हम लोग छारसूत चेंज कर रहे होते हैं तो उसको उस समय रिमूव कर देते हैं, उसको एक्साइज कर देते हैं पहला। दूसरा, जब आपका घाव भर रहा होता है तो थोड़ा बहुत वहां पे इचिंग होती है, और चूंकि वहां पे लगातार मॉइस्चर रहता है, चूंकि बैकबोन एरिया पे उसके पीछे जो इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है दोनों बटक्स के बीच में, अगर जो ये ट्रैक होता है उसमें लगातार चिपचिपा पानी जैसा निकलता रहता है, तो वहां पे गीलापन रहता है, उसमें भी इचिंग होती है। तो आपको क्या करना है, पहला जो है कि वहां पे स्किन बन रही है, वो आपके डॉक्टर से आप बोलिए कि सर अगर ये जो आउटग्रोथ है इसको आप इसको रिमूव कर दीजिए पहला। अब जो वहां पे इचिंग हो रही है, जो वहां पे रेडनेस आ रही है, वो बिकॉज ऑफ पस, वहां पे मॉइस्चर की वजह से, वहां पे गीलापन है इसलिए आपको लग रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि सुबह शाम जो ट्रैक है उसको आप साफ करिए। जैसे आप सीधे इस नोजल से भी क्या कर सकते हैं, आपने जो भी आपको सोल्यूशन एंटीसेप्टिक डॉक्टर बताए उसमें आप इसमें भरिए, एक एक तरफ से ये वाटर डालिए, दूसरी तरफ से निकल जाए, तो क्या होगा, इससे फिशुला ट्रैक जो साइनस ट्रैक है वो क्लीन होता रहेगा। जितना ज्यादा क्लीनिंग आप रखेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस पे भी मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, एक बार आप प्लीज देखिएगा कैसे हम उस ट्रैक को साफ करें, और जितना हो सके इस एरिया को ड्राई रखिए, जहां पे छारसूत बंधा हुआ है वहां पे ड्राई रखिए। डॉक्टर साहब वो लाइए जरा पैड यहां से दे दीजिए, एक मिनट। आप एक काम कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको पहले दिखा दूं, जैसे पानुलर साइनस कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये हिप वाला एरिया है, आपने देखा होगा कि पानुलर साइनस यहीं पे तो होता है, ऐसे दोनों हिप के बीच में होता है। तो आपको क्या करना है, इस एरिया को हमेशा ड्राई रखना है। अगर आप बेटा इसको क्लीन एंड ड्राई रखोगे, अगर इसको आप क्या रखोगे क्लीन एंड ड्राई, तो उस बच्चे को ना तो वहाँ पे इचिंग होगी, ना तो ये एरिया आपका रेड हो जाएगा। तो जो रेडनेस है, जो यहाँ पे रेडनेस आ रही है, वो बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो वहाँ पे मॉइस्चर है उसकी वजह से आ रही है। तो आप इसको क्लीन करिए, यहाँ के जो हेयर्स हैं उसको रिमूव करवा दीजिए, और इस एरिया को ड्राई रखिए। ड्राई रखने के लिए हम लोग इसको, जैसे यहाँ पे ये पैड है आप देख रहे हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उस वाले एरिया में ऐसे पैड रखा करिए, और दिन में 3-4 बार इसको हटाते रहिए, क्योंकि जो सिक्रीशंस आएंगे वो ये पैड सोखता रहेगा। तो वहां पे ड्राई पन अगर आ गया तो आपको बच्चे को वहां पे ना तो वहां पे रेडनेस आएगी, ना तो वहां पे इचिंग आएगी। तो ये सोल्यूशन है, और जो हमने फिशुला ट्रैक की साफ सफाई वाला वीडियो बनाया है आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा कैसे उसको क्लीन करना चाहिए। तो बच्चे को ना तो दर्द होगा, ना तो पेन होगा, और बच्चा अगर स्कूल जाता है तो दिन आप अपना बच्चे को जो भी काम करना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, स्कूल जाना है, सारा काम करता रहे। बस बच्चे को बोलिए कि जब 3-4 घंटे बाद लगे कि यहाँ पे ये गीला हो गया है पैड, तो उसको हटा के फिर नया वहां पे एक ड्राई पैड फिर से रख दें। आप देखिएगा बच्चे को ना तो वहां पे रेडनेस आएगी, ना वहां बर्निंग होगी, ना इचिंग होगी, ना तो उसको कोई अनकंफर्टेबल फील होगा। उसके बाद एक इन्होंने भी सजेशन दिया है, इन्होंने लिखा है @संजीव, इन्होंने लिखा है कि चाय कॉफ़ी कोल्ड पूरी तरह से बंद कर दो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही करें, और ये मेरा जो वीडियो है कब्ज कभी नहीं होगा उस पर इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही है। जितने भी इस तरह के जो फूड होते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया या इस तरह के, जिससे सिडेशन होता है, क्योंकि चाय हो गया या कॉफ़ी हो गया या इसमें क्या होता है, जैसे कैफीन होता है, ये क्या करता है सिडेशन प्रोवाइड करता है, तो कई बार इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जितने भी जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये क्या होता है, इसमें जितने भी फास्ट फूड होते हैं या ये इस तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आप इस तरह के ड्राई मतलब फूड को आप अवॉइड करोगे तो रियल में कॉन्स्टिपेशन में कमी आएगी, रियल में आपका पेट जो है बिल्कुल पहले से सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, मैंने @UPSC इन्होंने लिखा है, इनका एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सर मैंने पाइल्स और फिशर का लेजर द्वारा ऑपरेशन 23 अक्टूबर को सर मैंने हमें कराया था, को अब हमें एनल से मवाद आ रहा है, चिपका रहता है। देखिए अभी क्या है, 23 अक्टूबर यानी जो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 8 और इधर 8, अभी अभी आपका 16 दिन हुआ है। तो जो हम लोग फिशर या पाइल्स का जब छासू लागे करते हैं तो कम से कम 25 से 30 दिन वेट करने के लिए बोलते हैं,
क्योंकि जहां से स्किन टैग हट जाता है, जहां पे अल्सर बेड होता है, जब आप उसको कॉटरी करते हैं या लेजर का प्रयोग करते हैं या छारसू लगे करते हैं, तो थोड़ा सा वहां पे चिपचिपापन आता है, वो पस नहीं होता है, वो होता है प्लाज्मा। क्योंकि जब आपके शरीर से अगर वहां से ये स्किन हट जाएगी, जो डेड स्किन होती है हटने के बाद, जो लाइव स्किन, जो लाइव टिश्यूज आएंगे, उसमें से लगातार वहां से म्यूकस का सिक्रेशन आता रहता है। अब कई बार, अब चूंकि जो मेडिकल स्टूडेंट है या जो मेडिकोज हैं, वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये पस और प्लाज्मा में क्या अंतर होता है। जैसे आप, हो सकता है आपके साथ पहली बार हो रहा है तो आप उसको पस समझ रहे होंगे, तो अभी आप 10 दिन और वेट करिए, और एक बार जिन डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है आप उनसे एक बार इसके बारे में पूछिए कि सर ये नॉर्मल सिक्रीशन है या एबनॉर्मल सिक्रीशन है। एबनॉर्मल में पस हो सकता है और नॉर्मल सिक्रीशन में प्लाज्मा का सिक्रीशन हो सकता है। तो अगर आपका प्लाज्मा का सिक्रीशन है तो डोंट वरी, प्लीज वेट फॉर 10 to 15 days मोर, 10 से 15 दिन और वेट कर लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अगर 10 से 15 दिन बाद भी अगर ये आ रहा है आपको, तो ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। तो एक बार अपने जिन डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, एक बार उनसे प्लीज मिल लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एबनॉर्मल चीज हो और हम लोग उसको नॉर्मल समझ रहे हो। फिर उसके बाद है ये आदिल आदि जी हैं, @ आदि, इन्होंने पूछा है, सर फिशर के इलाज के स्टूल सख्त ना हो चाहिए और पिचकारी करने रहना चाहिए। मेरा सवाल है कि मैं कोकोनट ऑयल से पिचकारी करता रहूं और ऑयल रेक्टम तक डाल देता हूं, इसके बाद वो ऑयल वहां पर रहता है, जब स्टूल पास करता हूं तो वो, सॉरी, स्टूल पास करता हूं तो बाहर आ जाता है। हाँ, फिशर ठीक नहीं हो रहा है, मतलब इसके बाद भी फिशर नहीं ठीक हो रहा है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये भैया जो है, ये इन्होंने पाकिस्तान से इन्होंने पूछा है कि मैं कोकोनट ऑयल का प्रयोग करता हूँ जब मैं लैट्रिन जाता हूँ, और मतलब उससे पहले भी यूज करता हूँ तो कोकोनट ऑयल निकल जाता है, तो उसके बाद भी फिशर ठीक नहीं हो रहा है। देखिए फिशर बेटा, अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस, तो हमने बताया कि लगभग 70-80% फिशर कई बार खाने वाली दवाओं से, लगाने वाली दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार 10 से 15-20% ऐसे भी फिशर होते हैं जो कई बार खाने वाली लगाने वाली दवाओं से नहीं ठीक होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक बार आप किसी एनुरेक्टर सर्जन डॉक्टर जो आपके यहाँ हैं उनसे मिल लीजिए। कई बार जो क्रोनिक फिशर होते हैं, जो डीप सीटेड फिशर होते हैं, वो खाने या लगाने वाली दवाओं से नहीं ठीक होते हैं। तो एक बार प्लीज आप कर सकते हैं, इसके साथ आप वहाँ पे सिर्फ बात कर सकते हैं, थोड़ा सा डाइट मेंटेन कर सकते हैं, और नॉनवेज पनीर अमरूद ये 3 चीज़ें प्लीज अवॉइड करिएगा। हो सकता है कि आप देखिए आपको बहुत आराम मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। धन्यवाद।